हालेलुया तो कहां से शुरू हुई हमारी प्रॉब्लम की वाटिका से परमेश्वर तो ने मनुष्य को जब बनाया और बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति एक का छब्बीस अब जब हम इसे पढ़ते हैं लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा किसने कहा परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार है ना हम यहाँ पे देखते हैं हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए किसको किसको बनाए मनुष्य को इसका मतलब मनुष्य पहले था हाँ मनुष्य था लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है मनुष्य को अब हम अपने अनुसार बनाए यहाँ पर बात देखो पहले इंसान जो था उसको मिट्टी से बनाया गया और अब परमेश्वर उस इंसान को किसका स्वरूप दे रहा है उसने कहा हम मनुष्य को इसका मतलब मनुष्य पहले था पर वो मिट्टी का था है ना अब परमेश्वर उसको क्या कर रहा है अपने स्वरूप में बनाना अपने स्वरूप और अपनी समानता में और प्रभु क्या कह रहा है और वे समुद्र की मछलियों याद रखिए और आकाश के पक्षियों हवा और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे हले सारी चीजों के ऊपर किसका अधिकार है परमेश्वर का पर परमेश्वर ने अधिकार किसको दे दिया था जब उसने परमे इंसान को अपने स्वरूप में बनाया तो ये अधिकार किसके पास चला गया मनुष्य के पास पूरे समुद्र के जलचर पूरे आकाश के पक्षी हर जीव जंतु के ऊपर किसका अधिकार मनुष्य का तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने अपनी आ, उसको उत्पन्न किया नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो हाले समझ रहे हैं तो परमेश्वर ने हमें किस किस चीज के ऊपर अधिकार दिया समंदर पूरी पृथ्वी और पूरा आकाश ये किसके अधिकार में दिया प्रभु ने हमारे अधिकार में मनुष्य के अधिकार में है ना और बाइबल में लिखा है लेकिन क्या हुआ ये चीज शैतान से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने इंसान को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि भले और बुरे का फल और जीवन के पेड़ दो फल लगाए थे और उसने भले बुरे के पेड़ का फल जब खा लिया तो उसकी क्या हुआ आंखें आई और ये कौन से आंखें थी भले और बुरे के ज्ञान की आंखें संसारिक आंखें है ना ये उनकी खुल गई और इंसान लिखा है परमेश्वर उसको बोला था कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा है ना तो जब उसने फल खाया तो उसकी लाइफ में क्या आया मृत्यु मृत्यु श्राप श्राप क्या था जीवन भर प्रभु ने क्या बोला तेरे कारण ये पृथ्वी श्रापित है और तू जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और गुटकारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा समझ आ रही है अब मनुष्य क्या है मिट्टी प्रभु ने कहा तू तो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन उस मिट्टी को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया था है ना और यहाँ पर हम देखते हैं और परमेश्वर ने सांप को क्या श्राप दिया था तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तू ने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा मिट्टी चाटता रहेगा मनुष्य किससे बना मिट्टी से और शतान को क्या बोला है तू जीवन भर क्या चाटेगा मिट्टी शतान का भोजन क्या है मिट्टी और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश में और तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर वे तेरे सिर को कुचलेगा और तू तो उसकी एड़ी को डसेगा हले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य जो एक परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था पाप के कारण वो क्या हो गया मिट्टी बन गया और श्राप आए मृत्यु आई दुख आई निराशा आई प्रभु से अलगाव हो गया और हम देखते हैं यहाँ पर शैतान का भोजन क्या है मिट्टी और हम किससे बने मिट्टी से तो पूरे संसार के जो लोग हैं वो किसका भोजन है किसका भोजन है शैतान क्या चाटेगा मिट्टी और मिट्टी कौन है हम किससे बने मिट्टी से समझ रहे इसीलिए परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया तो यीशु ने क्या बोला कि मनुष्य का दोबारा जन्म लेना जरूरी है और किससे पैदा होना जरूरी है अगर हम योहन्ना तीन पढ़े उसका पांच में लिखा है यीशु ने उत्तर दिया मैं तुझसे सच सच कहता हूं जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है हालेलुया तो अब हमें हम पहले मिट्टी से जन्मे अभी परमेश्वर क्या बोलता है हमें नया जन्म पाना है और वो जन्म हमारा किससे आत्मा और पानी से समझ आ रही है आपको जल और आत्मा से तो हम कैसे पैदा होते हैं आत्मा के द्वारा हम पैदा हुए जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो लिखा ना तो शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से ना लहू की इच्छा से हम किससे उत्पन्न हुए परमेश्वर से और परमेश्वर कौन है आत्मा और जब हम परमेश्वर से पैदा हुए तो हम कौन हुए आत्मा तो अब हम मिट्टी के नहीं अब क्या है हम एक आत्मिक जन है हालेलुया और जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा तो वो श्राप जो हमारे ऊपर था कि तू पसीने की जब भी पसीना देखते हो तो समझ लो यादम का पाप है हा? जो उसकी माथे से टबकता है लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु श्रापित बना ताकि हम आशीषित हो जाए तो वो क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को ले लिया समझ आ रही है आपको तो अब हम नया जन्म पाए हुए लोग है इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है दो ग्रंथियों पांच सत्रह में कि अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो पुरानी बातें बीत चुकी हैं पुरानी बातें बीत चुकी हैं तुम मिट्टी के हो बीत चुकी है तुम श्रापित हो बीत चुकी हैं तुम, तो? है। तुम दर्द से बच्चे पैदा करो बीत चुका है श्राप के अधीन था समझ आ रही है आपको अब आप मसीह में नई सृष्टि हो इसीलिए आप शैतान को बोल सकते हो देवल अब मैं तेरा भोजन नहीं हूं अब मुझे अपने पेट से निकाल अब ये शरीर मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ मेरा शरीर बीमार नहीं रहेगा आपको अपने शरीर को बोलना है अब मैं नई सृष्टि हूँ वो श्राप और बीमारी वो क्या था वो पुरानी बातें थी वो पुराना आदम था लेकिन अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं मैं नया हो चुका हूं इसमें रह नहीं सकते तुम अपनी अपनी शुगर को बीमारी को अपने कैंसर को से बात कर सकते हो तुम्हारे पास अब एक लीगल डॉक्यूमेंट है तुम बोल सकते हो उस बीमारी को समझ आ रही है आपको कि दो साल पहले यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं चंगी हो जाऊं शैतान को उस बात को सुनना ही पड़ेगा आ, वो लीगल ग्राउंड पे आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि वो सारी चीजें हो चुकी हैं कि तो को समझ में आ रहा हमारी जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी उसका सल्यूशन प्रभु यीशु जो आखिरी आदम था कर चुका है समझ आ रही है आपको तो हम रैप्चर के बाद हमें नया शरीर मिलेगा करके आप नहीं अभी अभी यीशु ने जो कोड़े खाए वो रैप्चर के बाद की बॉडी के लिए खाए अभी के लिए बताइए हम्म कब के लिए खाए थे अभी के लिए बीमारियां स्वर्ग में तो होंगी नहीं बीमारियां काम है अभी तो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है कि यीशु मसीह कोड़े खा चुका है उसका लहू मेरी मृत्यु को का की कीमत चुका चुका है और अब मैं कभी ना मरूंगा आप अपनी किडनियों को वो मृत्यु जो आपकी बॉडी में आपके अंगों में आपकी देह में है आपके सेल्स में आप उनको डांट सकते हो कि अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है अब मैं मिट्टी का नहीं हूं अब मैं आत्मा के जल और आत्मा से जन्माऊं और मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ पुरानी बातें कौन सी बातें जो शैतान के साथ चीजें थी जो श्राप के अधीन बातें थी अब हम श्राप के अधीन नहीं है और अब हम मिट्टी के भी नहीं है अब हम आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं अब हम मसीह में नई सृष्टि है अब हमारा नया जन्म हो चुका है और इस नए जीवन में पुरानी बातें क्या कर रही हैं आप उसको निकाल सकते हैं अब तुम्हारे पास शैतान लीगल मेरे पर अधिकार नहीं है तुम्हारी जो जितने भी तुम्हारे दोष थे तुम्हारे आ, मेरे ऊपर अधिकार थे वो टूट चुके हैं कट हो चुके हैं यीशु के लहू के द्वारा मेरी लाइफ को छोड़ के जाओ। हर शुगर, हर बीमारी तेरा कोई अथॉरिटी नहीं है मेरी बॉडी पे निकल यहां से मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं और अब मेरा नया जन्म हो चुका है मैं मस्ती में नई सृष्टि हूं हाल जब तक आप लीगली उसको नहीं बात करोगे वो आपकी लाइफ से नहीं जाएगा क्योंकि उसको उसको वो क्यों परमेश्वर ने बोला मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हो रहे हैं उनको पता नहीं है कि हम आजाद हो चुके हैं अब इन चीजों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं शैतान अब तू मेरे अंदर नहीं रह सकता कितों को समझ में आ रहा है शैतान कई बार ऐसे करता है कि वो उसको सुनाई नहीं दे रहा पर उसको सब सुनता है समझ आ रही है जब आप बोलते हो जोस्टाद तो में सुनती नहीं सुनती मेरी सुनते हैं आपने देखी है वीडियोज सुनती नहीं सुनती जब आप बोलोगे वो आपकी सुनेगा वो सुनेगी बीमारी आपकी वो डायबिटीज सुनेगी वो शुगर आपकी सुनेगी वो कैंसर आपकी सुनेगा आपको कमांड करनी है आपको बोलना है मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा मैं हमेशा जवान रहूंगा नहीं आएगा वो इतनी अथॉरिटी है आपके पास प्रभु ने कहा स्वर्ग और धरती टल जाएंगे तेरा मेरा वचन नहीं टलेगा कभी भी और तुम्हारे पास अधिकार है हर बीमारी के ऊपर हर कर्स के ऊपर हर दुष्टात्मा के ऊपर हर अंधकार की शक्तियों के ऊपर हर आकाश की शक्तियों के ऊपर हर समुंदर की शक्तियों के ऊपर हर पृथ्वी के ऊपर जितनी सब चीजों का अधिकार आपको सौंपा गया है और शैतान कभी नहीं चाहता कि हम वो चीजों को जाने आपको कमांड करनी है उसको बताना है कि मैं जान चुका बोलो मैं जान चुका बोलो आज मैं जान चुका हूं और अब मैं अज्ञानता में नहीं रहूंगा बोलो शैतान निकल आज यहां से मैं जान चुका हूं असलियत तेरी मैं किसी पाप के अधीन नहीं हूं यीशु का लहू मेरे पापों को शुद्ध कर चुका है बोलो मैं किसी श्राप के अधीन नहीं हूं यीशु मेरे हर श्राप को क्रूस पे ले चुका है यीशु ने क्यों बोला कि तुम सत्य को और सत्य तुम्हें आजाद करेगा क्यों बोला यीशु मसीह ने सत्य यही है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो तुम नया जन्म पा चुके हो ईशु मसीह के नाम से इसीलिए ईशु मसी ने शतान नाश नहीं कर रहा लोगों को अज्ञानता नाश कर रही है अभी भी हम डॉक्टरी रिपोर्ट पर भरोसा अभी भी हम चीजों पर भरोसा कर रहे हैं और खुदा के वचन को क्लेम नहीं कर रहे नया जन्म मतलब आप नए जन्म पाए हुए लोगों और आप अब मिट्टी के नहीं हो आप आत्मा के द्वारा जन्मे हो परमेश्वर की संतान हो अब आप आप स्वर्गीय क्या लिखा बाइबल में कि तुम इस पृथ्वी के नहीं हो अब तुम स्वर्ग के हो लिखा नहीं लिखा फिलिपियों की पत्री में यहां पे लिखा है तीन का बीस फिलिपियों में पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार करता प्रभु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं तो अब हम हम कहाँ के हैं स्वर के हमारी नागरिकता कहाँ की है स्वर की हम हमारा पिता आत्मा है और हम भी आत्मिक है समझ रहे हैं आप हम आत्मिक हैं अब हमारे पास वो कोई भी शैतान का कोई अधिकार नहीं है हमारी लाइफ में आपको सच्चाई को जानना ही है थैंक यू होली स्पिरिट के तो को समझ आ रही है चीजें जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे कहाँ से शुरू हुई और क्या उसका सल्यूशन हुआ तब तक आप अंधकार में रहोगे ये मसीहत ये जो कुछ आपने सीखा है भूल जाओ भूल जाओ चीजों को कौन सी मसीहत आपने पढ़ी है कौन सी चीजें आपने पढ़ी हैं? अब आपको जागना होगा आप सामर्थी हैं आप एक पावरफुल व्यक्ति हैं आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं आप प्रभावशाली हैं आप जगत की ज्योति हैं सारे अधिकार प्रधानताएं आपके पास हैं और आपको कमांड करना चीजों को हालेलुया आपके पास अधिकार है आपको दिया गया है स्वर्ग से हाले आपका आपको जो सल्यूशन प्रभु ने किया है उसके ऊपर विश्वास करना है हाल लुइया को तो समझ में आ रही हम मसी की देह यीशु मसीह हमारा सिर है क्या मसीह की देह बीमार है रह सकती है बोलो अगर सिर स्वर्गीय है तो देह शारीरिक दे है बोलो देह भी स्वर्गीय है लोहिया मतलब आपका सिर आत्मा है और शरीर मिट्टी है बोलो यीशु मसीह क्या कहता है कलीसिया मेरी देह है तो यीशु मसीह कहां पे है स्वर्ग में तो देश स्वर्ग की है या मिट्टी की है बोलो आपको चीजों को समझना पड़ेगा अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए चीजों के तो आपको परमानेंट जानकारी आपको परमेश्वर की चाहिए बताओ यीशु का सिर स्वर्ग में है वो स्वर्गीय है यशुपति देह में है, आत्मा में है। बोलो धरती पे स्वर्ग में है स्वर्ग में है तो यीशु की देह शारीरिक हुई कि आत्मिक हुई स्वर्गीय हुई हम हम यीशु की देह है तो हम स्वर्गीय हैं। हालेलुया और अगर हम स्वर्गीय हैं तो हमारी देह में बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि जानकारी नहीं अज्ञानता के कारण जब आप उसको लीगल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे शतान को कि अब तेरा मेरे शरीर पे कोई अधिकार नहीं है उसको बताना पड़ेगा उसको आदत पड़ चुकी है जब आप दिखाओगे चल मेरा वकील तुझसे बात करेगा निकल अभी यहां से आपको अपने हाथों में उस लीगल डॉक्यूमेंट को रखना है आपको बोलना है उसको आज से 2000 साल पहले वो पाप की जो पाप के कारण मृत्यु वो टूट चुका है श्राप टूट चुका है तेरे साथ हमारा कनेक्शन टूट चुका है हमें अभी तेरा कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर हम मसीह में नई सृष्टि हमारा नया जन्म हो चुका है पुरानी बातें पुरानी सारी जो डील थी जो कर्ज थे जो परमेश्वर का पुराना जो अदन में चीजें हुई थी वो सब क्या है अब कैंसल है मेरी लाइफ से अब मैं मिट्टी का नहीं अब मैं स्वर्गीय हूं अब मैं आत्मिक हूँ अब मैं नया जन्मा हूं अब मैं नई सृष्टि हूँ पुरानी बातें सब पुरानी हो चुकी हैं वो अब सब अनलीगल है लीगली मैं परमेश्वर की संतान हूं और मेरे पास तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर अधिकार है हाल लुया सत्यों को समझ में आ रही जब तुम जान जाओगे और शैतान यही नहीं जानने देता वह हमें रिलीज बना के रखता है ओ बस प्रभु प्रभु करते रहो और ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं इसलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे सत्य क्या है ये सत्य है कि अब तुम मिट्टी के नहीं तुम स्वर्गीय हो हाँ और तुम्हारे ऊपर वो पुराने सारे जो अधिकार हैं डेवल की वो कैंसिल हो चुकी है अब तुम्हें हाँ ले